Hello guys, welcome to Duba classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर डिटरमिनेंट की मिसलेनियस एग्जाम्पल 19 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंथी है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 4 क्वेश्चन लिए हैं. अदरवाइज हमारी वीडियोज के पीछे एक ही कंसेप्ट होता है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा. तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या कहा गया है, यूज द प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट को करो और फिर इसका इस्तेमाल इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में लगाओ. तो आप एनसीईआरटी जब क्वेश्चन देखोगे तो उसमें कई जगह पे मिसप्रिंट है, तो इस बार चेक कर लीजिएगा, सॉल्यूशन में आपको क्लियर दिख जाएगा ये, राइट. तो आपके पास सबसे पहले हमने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया है और फिर हम आपको बताएंगे कि इसको आगे कैसे करना है. तो ये दोनों मैट्रिक्स हमने ली. अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो A11 आ जाता है, यह आ जाएगा -2 - 9 + 12. ना इसको इससे करेंगे, यह आ जाएगा 0 - 2 + 2. सेम यह आ जाएगा 1 + 3 - 4. सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यह आ जाएगा 0 + 18 - 18, राइट. यहाँ पे भी माइनस है आपके पास. सिमिलरली इसको करेंगे, आ जाएगा 0 + 4 - 3. इसको हमने इससे किया, यह आ गया 0 - 6 + 6, राइट. अब आपके पास जब हमने ये सारा प्रोडक्ट कर लिया, इसे सॉल्व करा, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है. आप देख सकते हैं ये -11 है +12, 1 बच गया आपके पास, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0, ये 1, ये 0. तो जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है. तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स में से कोई ए मैट्रिक्स है और दूसरी उसकी ए इन्वर्स है. अब हम नहीं जानते कि ये ए है और ये ए इन्वर्स है, तो A × A इन्वर्स भी आई होता है और A × A भी आई होता है. तो ये पता करने के लिए इन दोनों में से A कौन सा है, उसके लिए हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे. और ऑब्वियस सी बात है, अगर A ये हुआ तो ये A इन्वर्स है, और अगर A मैट्रिक्स ये हुई तो ये इसका A इन्वर्स है, राइट. तो हमें A इन्वर्स दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूज शब्द का मतलब ही ये है. अगर कई बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम दोबारा से निकाल दें तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इसको यूज करना है आपने सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को. चलिए अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में. तो हमें पता है कि कैसे लिखना है. इसके कोफिशिएंट 1 - 1 2, यहाँ पर आपके पास x नहीं है तो 0 2 - 3, ये आ गया 3 - 2 4. और यहाँ पर आपके वेरिएबल मैट्रिक्स आती है x y z. इक्वल टू में आपके पास आते हैं 1 1 और 2, राइट. तो ये हमारी a मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है, इक्वल टू b. अब हमें पता है कि x मैट्रिक्स कैसे निकलती है, A × B. नाउ देखिए, अब हमें चेक करना है कि A मैट्रिक्स इन दोनों में से कौन सी थी. तो आप चेक करो, देखो आपको पता लग जाएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स ही यहाँ पर बिल्कुल इससे रिजेंबल कर रही है, तो ये A मैट्रिक्स हो गई. और क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, तो अगर ये A मैट्रिक्स है तो ये क्या है, उसका इनवर्स है, राइट. तो हमारे पास A इनवर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. यानी यहाँ पर x मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट होगी, A इनवर्स. तो A इनवर्स वी ऑलरेडी हैव, दैट इज -2, दैट इज -2 0 1 9 2 - 3 6 1 - 2. और b मैट्रिक्स हमारे सामने है 1 1 2. तो हम इन्हें प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इट्स -2, ये हो गया 0 + 2, राइट. सिमिलरली इसको करेंगे, आ जाएगा 9 + 2 - 6. अब इसको इससे करेंगे, आ जाएगा 6 + 1 - 4. तो ये हमारे पास आ रहा है 0 5 और 3. तो इसका मतलब ऑन कंपैरिजन x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, राइट. चलिए देखते हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. देखिए क्वेश्चन से ज्यादा ना कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. अब जो ये कंसेप्ट ये सिखा रहा है क्वेश्चन, ये एक बार बोर्ड में भी आया था. तो प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब ये होता है कि आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए, दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. यानी आंसर थीटा के अलावा किसी भी फॉर्म में आ सकता है, एक्स में और किसी भी और फॉर्म में, लेकिन थीटा नहीं आना चाहिए. इसका यही मीनिंग है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, राइट. तो चलिए इसे एक्सपैंड करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे इसको आगे प्रोसीड करना है. x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा 1 और x. यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस. तो चलो फर्स्ट x लिया हमने, तो ये कॉलम और ये रो हाइड कर देना है. क्या आ जाएगा, -x2, बीच में माइनस होता है, ये आ गया 1. फिर इसके बाद आ गया हमारे पास माइनस साइन थीटा. इस रो और इस कॉलम को बिल्कुल हाइड कर दो, तो ये इससे इंटू होगा, कितना बना -x साइन थीटा. नाउ ये इससे इंटू होगा, कितना हो गया cos थीटा. और फिर हमारे पास क्या है, प्लस cos थीटा. तो अब इस रो और इस कॉलम को हम हाइड कर देंगे, राइट. इस रो और इस कॉलम को अगर आप हाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन थीटा बीच में माइनस है, ये बनेगा माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स कॉस थीटा। क्लियर? तो चलिए अब इसको अंदर इंटू करते हैं। ये बन गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस या गया साइन थीटा कॉस थीटा, या गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और या गया एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इससे कट गया आपके पास। इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। तो अब ये इससे कट गया और हमारा आंसर क्या बचा, माइनस एक्स क्यूब। तो क्या कहीं आंसर में हमारे पास थीटा है? नहीं, अगर होता तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी, जैसे कि हमने यहाँ करा। हम आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसने बोला है कि हमें इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इवैल्यूएट करना है, तो डिटरमिनेंट इवैल्यूएट कर देते हैं। यहाँ पे प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो पहले क्या आ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ब्रैकेट लगाएंगे, ये रो और ये कॉलम हाइड कर दो बिल्कुल। तो ये इसको इससे इंटू करेंगे, कितना बन गया आपके पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, जब इसको इससे इंटू करेंगे तो जीरो आ गया माइनस। अब ये वाली टर्म आ गई कॉस अल्फा साइन बीटा, ब्रैकेट लगाओ, ये कॉलम और ये रो हाइड कर दो। क्या बचा, इसको इससे इंटू करेंगे, ये बचा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, और ये वाला इससे, तो ये आ गया जीरो। लास्ट माइनस साइन अल्फा, अब ये रो और ये कॉलम हाइड कर दोगे, राइट, ये पूरी रो और ये कॉलम, इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू, तो ये बन गया हमारे पास माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और ये क्या बन गया, साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये है माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये है माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। इसको अंदर इंटू करते हैं तो क्या बनेगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर? अब देखिए ये दोनों, सॉरी बच्चों, ये मल्टीप्लाई में था, ये मल्टीप्लाई में था तो ये प्लस हो गया, और ये सारी टर्म जो है किसमें आ जाएंगी आपके पास, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, राइट। ये इसके ब्रैकेट में था तो ये इससे इंटू हुआ, माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, यानी ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर? तो ये वाला स्टेप एक और बार हम कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये बन गया है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और ये बन गया है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और ये बन गया है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, विच इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। नाउ दिस इज वन, दिस इज वन, इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, सेम वो भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहता है, ए इनवर्स दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी होल इनवर्स निकालो। अब देखिए ए बी होल इनवर्स के लिए तो ए मैट्रिक्स होनी चाहिए थी, ताकि ए और बी को मल्टीप्लाई करते फिर हम ए बी होल इनवर्स निकालते। अब या तो हम ऐसा करें, ए इनवर्स का इनवर्स करें, उससे ए मैट्रिक्स आएगी, फिर a इंटू बी करें, फिर उसका इन्वर्स निकालें। बट उससे भी शॉर्टकट हमारे पास ये आइडेंटिटी है कि ए बी होल का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए इन्वर्स को रहने दो, उसको क्यों छेड़ना है, बी इन्वर्स को हम चेंज कर, सॉरी बी का जो है हम इन्वर्स निकाल लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ बी का इन्वर्स निकालने के लिए हमें पता है कि पहले बी का क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट, सॉरी, राइट, फिर एडजॉइंट निकालेंगे। तो ये प्लस माइनस प्लस, ये वन आ गया हमारे पास, ये आ गया 3 माइनस जीरो, ना माइनस 2, यह आ गया माइनस 1 माइनस जीरो, ना माइनस 2, यह आ गया 2 माइनस जीरो, ना 3 माइनस 2 माइनस 4, सॉरी दिस इज प्लस 2। तो ये कितना आ गया आपके पास, 1। अब ये क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं है तो बड़े आराम से जो है बी इनवर्स निकल जाएगा, तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 31 32 और 33। तो हमारे पास माइनर्स पहले निकलते हैं, फिर कोफैक्टर्स निकलते हैं साइन चेंज करके, और साइन हमें किसके चेंज करते हैं, ये और ये और ये, राइट। तो अब हमारे पास पहले से आपको पता है माइनर्स तो होते हैं, यहाँ पर ये देखो 3 ये वाला अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर वाला याद रखिएगा, गलती से भी बाहर वाला नहीं ले लेना। अब हमें निकालना है C21, तो C21 इससे कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 2 - 4, तो ये आ गया -2 C22, ये आ जाएगा 1 0, तो ये 1 आ गया। अब इसको लेंगे तो ये आ जाएगा -2 और 0, तो ये आ गया -2। अब C31, तो ये आ जाएगा 0 + 6, तो ये आ गया 6, राइट। अब इसको ले लेते हैं, ये आ जाएगा 0 - 2, लास्ट ये वाला 3 + 2, ये आ गया 5। अब इसके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये प्लस का। अब देखिए हमें क्या करना है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, अगर हमें AB होल इनवर्स निकालना है तो B इनवर्स हमारा तैयार है। B इनवर्स क्या होगा, 1/डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट, तो कोफैक्टर के ट्रांसपोज से बन जाएगा 3 1 2, हम रो 1 को कॉलम में बदल देंगे, तो ये आ गया 3 1 2। सिमिलरली हमने ये चीज चेंज कर दी, 2 1 2 6 2 5, राइट। अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, A इनवर्स से जो हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 3 - 1 1 -15 6 - 5 5 - 2 और 2। अब ये 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो चलो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, ये बन गया 9 - 30 + 30। सिमिलरली इसको इससे करेंगे, ये आ जाएगा -3 + 12 - 12। सिमिलरली 3 - 10 + 12, अब इसको इससे करेंगे, ये आ जाएगा 3 - 15 + 10, नेक्स्ट -1 + 6 - 4, 1 - 1 + 4, इसको इससे करेंगे, आ जाएगा 6 - 30 + 25, -2 + 12 - 10, और लास्ट हमारे पास आ गया 2 - 10 + 10, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9 - 3 5, -2 1 0 1 0 एंड 2, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होल इनवर्स या एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, ये दोनों इक्वल होते हैं, या A इनवर्स का इनवर्स A होता है। तो अल्टीमेटली हमें A इनवर्स पे तो जाना ही जाना है, तो A इनवर्स के स्टेप सबसे पहले फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रूव वाली चीज़ सिचुएशन उठाएंगे। तो यहाँ पर हमने लगा दिया +- ये 1 लिया हमने, यह आ जाएगा 15 - 1, और -2 ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर है -2, यह आ जाएगा -10 - 1, फिर आ गया 1, ये वाला हाइड करेंगे, ये आ जाएगा -2 - 3, राइट। तो चलिए ये आ गया आपके पास 14, ये आ गया आपके पास +12, ये आ गया आपके पास -6, सॉरी दैट इज -11, तो ये आ जाएगा हमारे पास -22, तो -22 - 6, तो ये आ गया हमारे पास -13, दैट नॉट इक्वल टू 0, तो A इनवर्स क्या करेगा हमारे पास, एग्जिस्ट। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, उसके लिए इसके क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमारे पास एडजॉइंट तैयार हो जाए, राइट। तो हमारे पास माइनर्स पहले से होते हैं, तो देखिए ये वाला माइनर्स हमारे पास 14, ये 1 2 भी है हमारे पास 11, और ये कितना है -5। अब C21 हमें कैलकुलेट करना है, तो ये रो यहाँ पर आ गया, हम C12 इसको हाइड कर दो, ये आ जाएगा 10 - 1, दिस इज -2, सॉरी -10 - 1, तो ये कितना हो जाएगा -11। सिमिलरली अब इस पर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 - 1, दैट इज 4, नाउ दिस वन, तो ये आ जाएगा 1 + 2, कितना हो गया 3। इस पर आ जाइए C31, यह आ जाएगा -2 - 3, ये कितना आ गया -5, ये वाला, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 2, कितना हो जाएगा आपके पास 3। उसके बाद लास्ट है ये वाला, तो ये आ जाएगा 3 - 4, ये आ गया आपके पास 1। अब हमें साइन चेंज करने हैं इसके, सेम यहाँ पर हमने इसकी क्या कर दी, सॉरी दिस इज -1, ठीक है। अब इसके साइन चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा +1 + 1 माइनस, और ये क्या हो गया हमारे पास -, तो अब हमारे पास एडजॉइंट तैयार है A का। चलिए एडजॉइंट ऑफ A तैयार है, जो हमारे पास इनवर्स निकालने के लिए भी यूज़ करना है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा 14, ये कितना आ जाएगा आपके पास 11, ये आ जाएगा -5, ये वाली रो जो है ये कॉलम बन जाएगा 11, 4, -3 - 5 - 3 - 1, तो एडजॉइंट तैयार है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से एडजॉइंट का इनवर्स निकालना है और इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो हमें क्या करना है, एडजॉइंट का इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या है, एडजॉइंट हमारे पास तैयार है 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। तो अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आप चाहें तो कन्वीनियंट बनाने के लिए इसको सी लेट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमें सी का इन्वर्स निकालना है। तो हम सी का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस आ जाएगा। तो ये आ रहा है हमारे पास 14 -4 -9 दिस इज -11 -11 -15 -5 ये आ रहा है -33 +20 ये लिया हमने, ये आ गया -4 -9, फिर -11 लिया -11 -15, फिर -5 लिया तो ये आ गया -33 दिस। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 169 जो कि जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हमें सी का क्या करना है, अब हमें सी का एडजॉइंट निकालना है, सी के को फैक्टर्स निकालने हैं। तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 राइट। चलिए पहले तो हमारे पास होता है ये कितना आ जाएगा आपके पास -13 दिस इज -26 दिस इज -13। अब हमें ये कैलकुलेट करने हैं C21 तो ये आ जाएगा -11 और ये कितना आ जाएगा आपके पास -11 -15 तो ये हो गया आपके पास -26। सिमिलरली अब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे C21 तो आई होप इसे कैलकुलेट कर लोगे आप -39 ये आ जाएगा +13 आएगा ये आपके पास। एक तो इसके साइन चेंज होंगे, एक इसके साइन ये और ये, इन चारों के अपने साइन चेंज करने हैं। C31 हमारे पास आ रहा है -13 ये आ रहा है आपके पास 13 और ये आ रहा है हमारे पास -65। अब इनके साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, सी का एडजॉइंट आ गया राइट, एडजॉइंट ऑफ सी। तो अगर एडजॉइंट ऑफ सी भी आ गया तो फिर हमारे पास इन्वर्स भी आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे -13 26 -39 -13 -65। तो आपके पास सी का इन्वर्स आ गया या आप कह सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स आ गया दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो गई। अब हमें राइट हैंड साइड में ए इनवर्स का एडजॉइंट लेना है। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स तैयार करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कितना है -13 इनटू में एडजॉइंट। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑलरेडी है दैट इज 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। अब हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले इस -1/13 को अंदर करके एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा -14/13 11/-13 ये आ जाएगा आपके पास 5/13 माइनस से माइनस कट जाएगा आपके पास, ऐसे ही आ जाएगा ये 11/-13 ये आ जाएगा -4/13 ये आ जाएगा 3/13 -5 प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 3/13 और ये हो जाएगा 1/13। तो ये तो हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। अब हमें इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट, यानी इसके माइनर्स को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। राइट तो चलिए ये वाला है पहले, इसको हाइड करेंगे, आ जाएगा -4/13 -9/13 -4/13 -9/13 हाँ जी बच्चों, पहला वाला जो है ये हमने करा तो ये कितना आएगा देखो -4/169 -9/169 तो ये हो जाएगा माइनस 13/169। तो कट करके कितना आ जाएगा, माइनस 1/13। सिमिलरली आपने ये सारे कैलकुलेट करने हैं और ये कट हो जाएंगे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -2/13। एक हमने इसका साइन चेंज करना है, इसका और इसका। सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा -1/13। सिमिलरली आ जाएगा आपके पास 2/13 माइनस का, ये हमारे पास आएगा -3/13। ये आ जाएगा हमारे पास -1/13। ये आ रहा है हमारे पास -1/13, दैट इज 1/13। और ये आ जाएगा हमारे पास -5/13। क्लियर। अब हमने साइन चेंज करने हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा आपके पास, माइनस का। राइट, सॉरी बच्चों, ये पहले आएगा प्लस का और फिर आपके पास साइन चेंज करके माइनस का बनेगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो ये कितना आ गया, इसका हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज -1/13, 2/13, -1/13। राइट, दैट इज 2/13, -3/13, -1/13, -1/13, -1/13, -5/13। अब आप देखिए हमारे पास, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। क्लियर। अब अगर हम इस 1/69 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल सेम यही चीज़ आ जाएगी। देखिए ये हमारी राइट हैंड साइड है और हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी अब बिल्कुल सेम आ जाएगी। अगर हम 169 से अंदर इंटू कर दें तो क्या बन जाएगा, देखिए इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1/13। ये हो जाएगा 2/13, ये हो जाएगा -1/13। सेम 2/13, -3/13, -1/13। सेम देखिए ये आ जाएगा -1/13, -1/13, -5/13। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। राइट, चलिए हम सेकेंड पार्ट में ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है, तो पहले ए इनवर्स लिख लेते हैं, दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। राइट, जो हमने पहले भी लिखा था आपके पास, दैट इज 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और 1। अब 1/13 को हमें अंदर इंटू करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। राइट, तो ये आ जाएगा 14/13 -11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 5/13 3/13 -1/13। राइट, अब हमें इस मैट्रिक्स को कुछ लेट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसे डी मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका इसी का इनवर्स निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। राइट, -14/13 -11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 5/13 3/13 1/13। तो यहाँ प्लस माइनस और प्लस। राइट, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, -14/13। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -4/169 -9/169। माइनस माइनस प्लस हो गया, 11/13। ये कितना आ जाएगा, 121/169 -15/169। सॉरी, दिस इज 1, तो ये 11/169। फिर आ जाएगा हमारे पास 5/13, इसको हाइड करेंगे, ये आ जाएगा -33/169 +20/169। तो अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, सबके अपॉन में से 169 जो है, देखिए 13 और 169 कॉमन है, तो आप 1/13 इंटू 169 कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा -14 और ये बच जाएगा हमारे पास -13। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा -14, सॉरी -26 क्योंकि 11 है ये, 11 -15 और ये आ जाएगा आपके पास +5 -13। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/13 इंटू 169। ये आ रहा है हमारे पास -169। तो ये कट जाएगा और हमारे पास आंसर कितना बचा, -1/13। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। राइट, तो इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो आई होप बच्चों अब आप इसके कोफैक्टर्स और इसके जो भी हैं, जैसे हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में भी करा था, बिल्कुल उस तरीके से आप इसके क्या कर लेंगे, जो है कोफैक्टर्स निकाल कर इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। चेकिंग के लिए आप देख सकते हैं इसका आंसर एडजॉइंट का आना चाहिए 1/13, 2/13, -1/13, 2/13, -3/13, -1/13, -1/13, -1/13 और -5/13। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो A इन्वर्स का इन्वर्स या आप कह सकते हो D का इन्वर्स, एक ही बात है राइट। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, अब देखिए 1 अपॉन, जब हम ये डिटर्मिनेंट रखेंगे -1/13 और इससे अंदर इंटू करेंगे, तो आपके पास वापस क्या आ जाएगी, A मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, यानी A इन्वर्स का अगर इन्वर्स लिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। तो आई होप आपको हमारे वीडियो यूजफुल लगे। अगर आपको हमारे वीडियो यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।